नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवर्स के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। एस्ट्रोवर्स जो नाम उल्लेखित करता है, जिसमें एस्ट्रो और वर्स यानी ज्योतिष के वो श्लोक, ज्योतिष का वो प्रकृति जन्य गीत, जिसे ऋषियों ने इस ब्रह्मांड का दृष्टा भाव से अध्ययन किया, देखा और पृथ्वी की इस लय को, पृथ्वी में जिस गति को वे प्राप्त करने आए थे, उसको समझने के लिए उन चीजों को, प्रकृति के मैसेजेस को श्लोकबद्ध किया। हम तो जानते हैं कि वेद श्रुति है, लेकिन समय के अंतराल में चीजें लिपिबद्ध होती गई। शायद हमारी चेतना में ही, हमारी याददाश्त में ही शायद कोई कमी रह गई हो, तो शास्त्र लिपिबद्ध हुआ। जैसा हम जानते हैं कि ज्योतिष वेद का नेत्र है, तो वेद की संपूर्णता, पृथ्वी की वो लय, सृष्टि के वो रहस्य, जो अंदर है वो बाहर है, उसी के साक्षात्कार में इस जीवन यात्रा यानी इस लाइफ और इस लाइफ के मैनेजमेंट पर हम वेद और वेदांग यानी ज्योतिष के एक समन्वय को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, ईश्वर की जो रोशनी है, वो हमारे इस जन्म में जो संभावित एक दायरा या एक वातावरण से हमें आगे अग्रसर होना पड़ता है, जिसे हम कह सकते हैं प्रारब्ध या संचित कर्म इत्यादि से जो हमारी सफरिंग्स हैं, जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, उनके लिए उस वातावरण में हम अग्रसर होते हैं। जो उस चेतना को पकड़ पाता है वो रास्ता आसानी से तय कर जाता है, और जो उसे नहीं समझ पाता है वो जीवन में चारों ओर देख करके उन सवालों के जवाबों को ढूंढता है, जिसमें ज्योतिष भी एक उपाय है। लेकिन जब हमारा गंतव्य, हमारा रास्ता निश्चित है, तो फिर हर दिन हमें संघर्ष तो करना पड़ता है। संघर्ष खुद के साथ, खुद यानी हमारा सबसे अच्छा मित्र और शत्रु हमारे मन के साथ। दोस्तों, ऐसा ही संघर्ष कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध में हुआ था, कि एक हाईली एजुकेटेड, वेल ट्रेंड योद्धा अपनी ड्यूटी, अपना कर्म, अपनी एजुकेशन भूल करके सरेंडर हो गया था। किसके सामने? उसी षडरिपु जो मन के साथ संलग्न है, और शायद इस जीवन में उसी पर हम नियंत्रण करके इस जीवन में उस ईश्वर की रोशनी की ओर हम बढ़ते हैं। लेकिन वहां पर जो ईश्वर की रोशनी थी, जो ज्योतिष थी, वो थी कृष्ण के रूप में, कृष्ण के ज्ञान के रूप में। दोस्तों, संदर्भ है गीता, याने प्रतिदिन नित्य दिन हम एक डेस्टाइंड पाथ में होने के बाद भी, यानी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 4 साल में हम पास आउट होंगे, लेकिन हर दिन समाज के विभिन्न अंगों में खुद के साथ हमें अपने को संभाल के, अपने को मैनेज करके, अपनी लाइफ को मैनेज करके चलना होता है। दोस्तों, गीता भी एक ऐसा ग्रंथ है जो पूजा घर से निकल के अब सेल्फ स्टडी रूम में भी आ गया है, जो पर्सनल, प्रोफेशनल और जितनी भी हम कह लें जीवन के आयाम है, सोपान है, उसमें एक आपको मैसेज देता है, यानी लाइफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों, एस्ट्रोवर्स के इस लाइफ मैनेजमेंट के प्रथम संस्करण में हमारे साथ वेदांग के जो एक मूर्धन्य प्रणेता जानकार हैं, श्री प्रभुदयाल मिश्र, एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी, जिसमें अपनी शासकीय जो ड्यूटी स्थिति का निर्वहन करते हुए भी आपने अपने आप को उस ज्योतिष की तरफ उन्मुख रखा, जिसमें वेद उसके सोपान थे, उसके अंग थे, और वर्तमान में आप अध्यक्ष हैं अगस्त्य वैदिक संस्थान के, जिसमें इसी तरीके की चेतना के प्रसार प्रसार में आप सदैव संलग्न हैं। तो आदरणीय मिश्रा साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम, अच्छा लगा, बड़ी अच्छी भूमिका, प्यारी भूमिका आपने रखी, और इसमें जो संदेश जाता है विशेषकर युवाओं के लिए बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट दृष्टि है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सर, प्रथम प्रश्न तो मेरा आपसे यही होगा कि हम अगर छात्रों की बात करें, यूथ की बात करें, जो प्रोफेशन में शुरुआती दौर में, या जो छात्र एक प्रोफेशन के चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनके जीवन में भी युद्ध क्षेत्र है, पढ़ाई है, समाज है, आगे के भविष्य के गर्त में क्या है उसे झांकने में दिक्कतें हैं, तो आपका संदेश, जो आपका अनुभव है,
उस महाग्रंथ गीता से, कि जिसके थ्रू हम उन्हें ये संदेश दे पाए कि ये मैनेजमेंट, ये लाइफ मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। आदरणीय मिश्रा सर, मुझे आपकी बात सुनकर के जो तत्काल स्मरण में आया, तत्काल इसी क्षण आपने ज्योतिष के लिए दृष्टि कहा, 11वें अध्याय में जब भगवान अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराते हैं, तब कहते हैं दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, दिव्यम ददामिते चक्षु, यानी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिष का ज्ञान दिया। दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, अर्जुन को ज्ञान में प्रतिष्ठित करने के लिए, दिव्य ज्ञान की चेतना देने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। और उसके बाद फिर हम जानते हैं कि आप अंत में अर्जुन ने भगवान से यही कहा, करिष्ये वचनमिदम, मैं वही करूंगा जो आपने कहा है। वास्तव में इन दोनों का संवाद किस तरह से आरंभ होता है और कहां पहुंचता है, यही संदेश तो आप युवाओं को देना चाह रहे हैं। आप उनसे जब कहें और जब इसको सुनकर के युवा ये कहे कि मैं बिल्कुल वही करूंगा जो आपने कहा है, और ये मार्ग हमें एकदम प्रशस्त स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा है। तो ये ज्योतिष का वहां से आता है। हमारे यहाँ संपूर्ण भारतीय वांग्मय विज्ञान परक है, पूरा का पूरा। अगर हम संक्षेप में कहें तो 18 हमारे विज्ञान शास्त्र हैं। 4 तो संहिताएं हम जानते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, इनके 6 वेदांग हैं। इनमें दृष्टि, जैसे आपने कहा ज्योतिष है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये सब ये इनके वेदांग हैं। तो ज्योतिष एक महत्वपूर्ण वेदांग, जो जिसको नेत्र से उपमेय किया गया हो तो उसकी हम महत्ता समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो और विषय जो विज्ञान परक है हमारे यहाँ, दर्शन के क्षेत्र में न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, अर्थशास्त्र, तो इतना वैज्ञानिक चिंतन हुआ है कि इसको ध्यान में रखते हुए, इसको दृष्टि में रखते हुए हमारे जो इसको मान सकता है, समझ सकता है, उसके लिए विकास की सभी संभावनाएं विद्यमान, सब कुछ उसके सामने मौजूद है। ये मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी इस कोरोना काल में जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कॉलेजेस नहीं उनके खुल रहे थे, यहाँ तक कि खेलने भी नहीं जा पा रहे थे, तो एक दिन शाम को घूमते हुए हमारे ग्रैंडसन जो मैनेजमेंट के कोर्स में उसमें पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, तो उसने कहा कि कुछ समझ में नहीं आता दादाजी क्या करें। तो फिर हमने कहा कि पहले तो एक काम करो कि रामायण का पूरा पारायण कर लो। संपूर्ण रामायण का पारायण किया, 2 पोते हैं, दोनों ने संपूर्ण रामायण का पारायण किया, और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बहुत रोचक प्रश्न भी उन्होंने किए। उसके बाद जब रामायण पूरी होगी तो उन्होंने कहा अब क्या करें हम, तो उसमें तत्काल हमको आया नव दुर्गाएं आ रही थी, उनका दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, समझा पूरा। उसके बाद क्या करें, तब फिर हमने उसको गीता दी, गीता एक बार पढ़ चुका है। फिर उसने कहा कि हमारे तो बहुत सी बातें काम की हैं, तब फिर हमने गीता पर इस गोरखपुर की जो डायरी आती है उसमें बीच में स्पेस बना रहता है, उस स्पेस में हमने कहा कि जो मैनेजमेंट के टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप इसमें नोट्स बनाइए। तो उसमें अर्थ दिया हुआ है, तो अर्थ का सनातनी है, लेकिन उनके संदर्भ से क्या उपयुक्त जाता है। तो इसमें जो दृष्टि की बात थी, उसने एक प्रश्न पूछा, हमने कहा कि अर्जुन को, संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वह देखें कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो उसके लिए वो देखते जा रहे थे। आरंभ उसमें गीता का उदाहरण के लिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धृतराष्ट्र वाक से आरंभ होता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा उत्सवा माम का पांडवाश्चर्य, और इसके बाद संजय वाच संजय आरंभ करते हैं। तो ये
संजय ने एक श्लोक कहा कि दृष्ट्वा तु पांडव नीकम जूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगम राजा वचनम अब्रवीत। राजा अर्थात दुर्योधन ने जब देखा कि दोनों सेनाएं समवेत हो गई हैं तब वो उन अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास जाकर के वो बोला, और उसके बाद जो उसने कहा पश्यताम पांडुपुत्राम आचार्य महतीं च मुं दुढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहाँ से 9 श्लोक हैं जो आते हैं। तो उसने पूछा, उसने कहा दादाजी ये जो श्लोक हैं इसमें तो दुर्योधन उवाच आना चाहिए, ये संजय उवाच में ही कवर किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण बात थी और इसका उत्तर मैंने देखा उसमें वो, उसके बाद फिर जब बाद में फिर वो दुर्योधन कहता है, दुर्योधन ने आरंभ किया अपना कथन, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मुं द्रोणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। 9 श्लोकों में दुर्योधन की बात है। अब देखिए दुर्योधन कह रहा है लेकिन वो संजय उवाच में ही पूरा का पूरा उसके कथन को समाविष्ट किया गया है। गीता के जितने भाष्य हैं उसमें उसके बाद फिर जब अर्जुन ने कहा कि हमारा सैन्योर भयोर मध्य रथम स्थापय मे अच्युत, हे भगवान दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलिए, तो यहाँ पर यहाँ जाकर के संजय की बात आती है कि संजय ने ये तो इतना तो अर्जुन ने कहा और फिर संजय ने कहा कि कृष्ण भाव ले गए। तो उसका कहना ये था कि देखिए कि दृष्टि की एक कि जो दृष्टि प्रदान की जाती है और दृष्टि उसको ही प्रदान की जाती है जो दृष्टि को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत है तैयार है। तो ये ज्योतिष के बारे में आप ये कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये कह सकते हैं कि इसको आप जो दे रहे हैं, जो उत्सुक हैं, जो इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इस दृष्टिबोध को जो ग्रहण करना चाहते हैं, वे जब आगे आएंगे तब वे इसे प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले उनमें वह उत्सुकता, वह उत्साह, वह जिज्ञासा होनी चाहिए और यह बहुत आवश्यक है किसी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो इसमें समझ में यही आता है कि दुर्योधन की वह भूमिका नहीं थी, संजय को दृष्टि प्रदान की गई थी तो संजय देख पा रहे थे, कह पा रहे थे, और फिर भगवान ने अर्जुन को भी वही जाकर के एकादश अध्याय में वही दृष्टि प्रदान की और उनका पश्चिमे योग मिश्रम, और उसमें उन्होंने कहा अब देखो। तो उसमें देखते हुए जब अर्जुन भगवान पूछते हैं कि आख्या ही में को भवानुग्र रूपो, हे भगवान बताइए आख्या ही में को भवानुग्र रूपो, हे उग्र रूप आप कौन हैं, क्या हैं और आपका क्या अभिप्राय है, वहां भगवान कहते हैं कालो उसमें लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं प्रत्यक्ष काल हूं, मैं कालोस में, देख ये भी आपका ज्योतिष से जुड़ता हुआ पक्ष है, कालोस में लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, और उसमें जो अब समय आ गया है, काल यहां से भी जुड़ रहा है आपका ज्योतिष, यहां भी जुड़ रहा है, मैं लोक के क्षय के लिए प्रवृद्ध हुआ हूं, मैं लोक का क्षय देख रहा हूं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं और उसके लिए ही मैं तुम्हारे सामने आया हूं, तुम्हारे के सामने उन्मुख हुआ हूं। कालोस में लोक क्षय कृत प्रबुद्धो लोकान समाहर तुम है, मैं सभी लोगों के समापहरण के लिए प्रस्तुत हुआ हूं, ये कहा उन्होंने। और देखिए और आगे जाकर के जो भगवान एकादश अध्याय में ही कहते हैं पूरा बता देते हैं, भविष्य दर्शन जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसके आपको जानना चाहिए श्रोताओं को, उसमें कहा द्रोणम च भीमम च द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यान्यपि योध वीरान, द्रोणम च भीष्मम च है, द्रोण भी भीष्म हुए, कर्ण भी हुए, द्रोणम च भीष्मम च कर्णम च जितने भी योध वीरान, मैव हस्तात नहितैव पूर्वमेव, मेरे हाथ से उनको पहले से ही मरा हुआ जान लो, लो देख लो, मैव हस्तात नहितैव पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सब्यसान्यम, तुम तो निमित्त मात्र बनो। आपकी जो दृष्टि है अष्टो की दृष्टि, आप यही बता रहे हैं कि हे श्रोताओ, हे विद्यार्थियों, हे युवाओ, हे नई दृष्टि प्राप्त करने वालों वाले मित्रों, आपको तो निमित्त बनना है, निमित्त बन सकते हैं। एक और बड़ी बढ़िया बात इसमें बताएं,
जब इसको लेकर के लोग बड़ा प्रश्न किया करते हैं, जो दूसरे अध्याय में एक बड़ा प्रचलित श्लोक आता है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संगोस्तु अकर्मणि, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसमें लोग बच्चों का सबसे पहले ये प्रश्न, मैं आपको बीच में आपकी आज्ञा से ही रोकना चाहूंगा कि यह जो आपने श्लोक कहा, ये हमारा जो एपिसोड 2 है जिसमें हम शायद इसी वृतांत को, जो आपने जिस उद्देश्य में हमने आपसे बात की कि गीता का जो व्यवहारिक उपयोग जो पूजा घर से निकल के सेल्फ स्टडी रूम या आपके लगातार साथ में है, तो उस पर आपने सर्वप्रथम जो बात कही वो दृष्टि की और निमित्तता की बात की। इसी बात को हम एपिसोड 2 में आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसकी भूमिका या पृष्ठभूमि यही होगी जिस श्लोक को आपने उदाहरण दिया है कि दृष्टि, या जैसे हम मनोविज्ञान में आज की तारीख में पैराडाइम कह सकते हैं, एक बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं, और यही बिलीफ सिस्टम ही कई बार हमारे लिए दृष्टि को दूषित भी कर देता है, यानी हम सही दृष्टि ले भी नहीं पाते हैं। लेकिन हम जब निमित्त हैं तो सकाम और निष्काम कर्म की, क्योंकि इसी श्लोक से वो व्याख्यात है कि जब हमारे पास दृष्टि है तो हम सकाम है, लेकिन जब हम निमित्त हैं तो हम निष्काम है। तो आपसे हम अगले अंक में इस पर बृहद चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ इस अंक में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हम अगले एपिसोड में इसी सकाम और निष्काम कर्म के भेद को समझेंगे, क्योंकि दृष्टि और निमित्त का प्रसंग यहाँ पर छिड़ चुका है, और शायद हम अपने जीवन में उसे कैसे उतार पाए इसी को समझने के लिए हम श्री प्रभुदयाल मिश्र जी से अगले अंक में इस चर्चा को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस चर्चा में हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, और भगवान प्रेरणा देते हैं सोचने की, और लाभ तो स्वयं का भी होता है, जो कह रहा है वो भी तो लाभ प्राप्त कर रहा है, तो ये भी उसके लिए भी अवसर है। हम जो बोल रहे हैं, परस्पर संवाद हो रहा है, ये भी किसी दैवी प्रेरणा का ही तो भाग है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।